हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ। सर इस वीडियो में क्लास 7 का चैप्टर 1 विच इज़ इंटीजर्स, उसके ट्राई दिस पेज नंबर 12 पे जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से फाइंड, उसके 3 पार्ट्स हैं, हमें इसको सॉल्व करना है। सी -31 और -100। माइनस का एक बहुत बड़ा फंडा है, वो मैं बताती हूँ क्या है। इवन नंबर्स जो होते हैं जैसे कि 2, 4, 8 एंड सो ऑन, उनमें अगर सब में माइनस है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। उसका रीज़न क्या है, जैसे मान लीजिए ये 2 डिजिट हैं, इवन नंबर है, दोनों आपस में कट हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये एक और डिजिट बन जाती है, यानी कि एक और माइनस ऐड हो जाता है, तो 2 तो आपस में कैंसिल हो गए लेकिन एक तो तब भी रह गया। तो इवन में आंसर आता हमारा पॉजिटिव में, लेकिन जैसे ही इसमें एक और डिजिट ऐड कर दी, इसको ऑड बना दिया, तो आंसर आ गया माइनस में। उसके बाद अगर हम इसमें एक और माइनस का इंटीजर ऐड कर देते हैं, तो अगर हम ध्यान देंगे ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो और ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर हमारा फिर से पॉजिटिव में आ जाएगा। और अब अगर हम इन्हें काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, तो ये इवन नंबर बना रहे हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं ऑड का। मान लीजिए इसमें हमने एक और नेगेटिव साइन ऐड कर दिया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, लेकिन ये अकेला रह गया और ये हमारा आंसर में आ जाता है। तो जब भी इवन नंबर्स होते हैं और सब में माइनस होता है तो वो माइनस कैंसिल हो जाता है, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो वो प्लस माइनस में ही आता है। जैसे कि यहाँ पे 2 डिजिट है, -31 और -100, दोनों में माइनस है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 31 इंटू 100, माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 31 इंटू 100 इज़ 3100, आंसर आ गया। नेक्स्ट में भी सेम है। नेक्स्ट में क्या है, -25, दो टर्म्स हैं, ऑड है, माइनस माइनस है, प्लस हो जाएगा। 25 को मल्टीप्लाई करना है 72 से, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 36, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 1800, जो कि पॉजिटिव में होगा हमारा आंसर। राइट, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। दोनों ऑड हैं, क्योंकि दोनों ऑड इन द सेंस कि दोनों 2 डिजिट है, ऑड नंबर है, दोनों में पॉजिटिव है, दोनों में नेगेटिव है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 83 इंटू 28 करके देखना है, वो हम यहाँ करके देख लेते हैं। 8 8 ज़ा 64, 65 66, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 3 2 4, 2 3 2 4, लेकिन ये आंसर जो होगा वो पॉजिटिव में ही होगा। तो यहाँ से क्या कंक्लूड होता है कि अगर सब डिजिट में माइनस है और नेगेटिव इंटीजर्स हैं सारे, यानी कि और नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। और अगर सारे डिजिट हमारी नेगेटिव है और नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, यानी कि 1 3 5 7 इस फॉर्म में है, तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। So now we are going to do try this page number 18 पे जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। इज 10 इंटू 6 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 10 इंटू 6 प्लस 10 इंटू माइनस 2। तो क्या ये ट्रू है? तो हाँ, ये ट्रू है। हम इंट्रोडक्शन की वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी, तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, जब भी आप ध्यान से देखिए, मैं ये सॉल्व करने वाली हूँ। 6 प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो वो हम कैसे करते हैं, देखिए। अगर यहाँ पे अभी हम प्लस माइनस को नहीं ओपन करते, तो पहली डिजिट को ब्रैकेट के अंदर की पहली वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, बीच का साइन एज इट इज़ आता है। फिर पहली वाली डिजिट जो है ब्रैकेट के बाहर, वो ब्रैकेट के अंदर जो दूसरी डिजिट होती है उससे मल्टीप्लाई होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये और ये बिल्कुल सेम है। दैट मीन्स आंसर दोनों साइड सेम ही आएगा। तो यहाँ पे आंसर लिखना है येस। और जो वो प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी किस तरीके से लिखते थे हम, ए इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी, जो किसके इक्वल होता है, a इंटू बी प्लस, प्लस का साइन है, a इंटू सी। तो ये आंसर हमारा होगा येस, कि हाँ ये दोनों इक्वल होंगे थ्रू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम वैसा ही है, इसमें भी वही बताना है कि क्या ये इक्वल होंगे। सो ध्यान से देखिए, पहले हम इसको उसको भूल जाते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली खोल के देख लेते हैं। इसका मतलब है ये, अगर हम इसको खोल के देखते हैं तो a इंटू बी पहले यानी कि -15 इंटू -7, फिर बीच में आएगा प्लस का साइन, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली, फिर a इंटू सी होता है, फिर प्लस का साइन, फिर a है -15 मल्टीप्लाई सी है -1। अब इसको चेक कीजिए कि आई एस के इक्वल है, तो येस दिस इज इक्वल टू दैट। सो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये भी आंसर येस ही होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू ट्राई दिस पेज नंबर 19 पे जो क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सॉल्व दिस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, a इंटू बी प्लस सी, ठीक है, जिसको हम कैसे सॉल्व करते थे, पहले a मल्टीप्लाई होता था b से, बीच का साइन प्लस, फिर a मल्टीप्लाई होता था c से, राइट इसी तरीके से होती थी। तो अब इसको हम किस तरीके से ऐसे मोल्ड करें कि ये प्रॉपर्टी बन जाए सी। -49 को एज इट इज़ रहने देते हैं, लेकिन 18 को क्या हम 10 + 8 लिख सकते हैं? बहुत ही सिंपल है, 18 को अगर हम 10 + 8 लिख देंगे तो ये किस फॉर्म में हो गई, a इंटू बी प्लस सी के फॉर्म में, राइट। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है, a इंटू बी यानी कि -49 इंटू 10, बीच में प्लस का साइन, फिर -49 इंटू 8, यही होता है। अब क्या करना है, -49 इंटू 10 करेंगे तो आएगा -490, ठीक है। अब -49 इंटू 8 करेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 4 × 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 392। आंसर आ गया -392, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो यहाँ एक है, एक क्या है इवन नंबर है, तो इवन नंबर के साथ जो सॉरी ऑड नंबर है, ऑड नंबर के साथ साइन माइनस का आता है, यहाँ भी सेम ही केस है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, -490 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस होगा, 392 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट खोलते टाइम हमें प्लस माइनस का ध्यान रखना होता है कि प्लस माइनस है तो माइनस का साइन आएगा। अब माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, लेकिन साइन क्या आता है साथ में, माइनस का। अब दोनों को प्लस करना है क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं। 392 में अगर हम 490 ऐड करेंगे तो 2, 9, 9, 18, 8, आंसर आ जाएगा हमारा -882। और अगर अब आप क्रॉस चेक के लिए क्या कीजिए, इसको डायरेक्टली 18 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपका आंसर यही आएगा। सो अब इसका सेकंड पार्ट है -25 इंटू -31। अब अगेन हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले देख लेते हैं क्या होती है, a इंटू बी प्लस सी, जिसमें a पहले b से मल्टीप्लाई होता है, फिर बीच का साइन सेम, फिर a जो है वो c से मल्टीप्लाई होता है। सो इसी तरीके से हम इसमें क्या करें कि लास्ट वाली डिजिट 2 में स्प्लिट हो जाए, c -25 सेम आना चाहिए इंटू -31। अगर मैं -30 प्लस -1 यानी कि -30 में -1 प्लस करती हूँ तो -31 आएगा। वो भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ कैसे, -30 प्लस -1, माइनस प्लस, 30 प्लस 1 इज 31, माइनस का साइन। तो हमने यहाँ पे क्या किया, -31 को स्प्लिट किया -30 प्लस -1 में। अब ये आ गया a इंटू बी प्लस सी के फॉर्म में, पहले a इंटू बी करते हैं यानी कि -25 इंटू -30 करते हैं, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर -25 a इंटू सी करते हैं इंटू -1। अब अगर आप देखते हैं तो ये दोनों डिजिट प्लस से पहले की दोनों डिजिट जो हैं 2 हैं, ऑड है इवन है, सो ये दोनों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 25 इंटू 30, 750 पॉजिटिव में, बीच में है प्लस का साइन, यहाँ फिर 2 डिजिट है, माइनस से माइनस कैंसिल, 25 × 1 = 25, ये आ गया। अब दोनों को प्लस कर दीजिए 750 और 25 को, आंसर हो जाएगा 775। तो ये हो गया हमारा आंसर इस पार्ट का। बहुत ही सिंपल है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने के लिए हमें लास्ट वाले डिजिट को स्प्लिट कर देना है, तोड़ देना है, सो दैट कि हमारा आंसर आ जाए। सो अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट ध्यान से देखिए, 17 into -19 प्लस -1 into 70 सी, ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये भी मल्टीप्लिकेशन में है। अगर हम इसको ध्यान से देखें दोनों में कॉमन एक चीज़ आ रही है 70। सो ये क्या हो सकता है, a into b प्लस c into a, यानी कि a into c, जो कि कब होता है जब a into b plus c करते हैं। जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में तो पहले होता है a into b, फिर प्लस का साइन, फिर a into c। सो यहाँ पे a क्या है, जो बाहर लेके आना है 70, यानी कि 70 को हम ले आए बाहर। b क्या है, -19, साइन आएगा प्लस का, फिर c क्या है, -1। यानी कि हमने क्या किया, इसको देखा क्योंकि इसमें 4 डिजिट थी, बीच में प्लस था, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में, इसको हमें सॉल्व करना था। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो हमें यूज़ करनी ही करनी थी। सो हमने a into b plus c में इसको कन्वर्ट कर दिया, जो कि a टर्म है। 70 -19 प्लस -1, राइट। अब क्या होगा, 70 माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का होता है, 19 + 1 = 20। अब अगर आप देखें तो 70 × (-20) आ गया। अब एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, आंसर नेगेटिव में आएगा, और 70 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा हमारा आंसर 1400। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।